आ जाइए स्टूडेंट, लर्न 24 एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे द्वारा बहुत सारे सब्जेक्ट बनाकर चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आप जो पढ़ना चाहते हैं उस हिसाब से प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए। यह आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वीडियो, तो इनको आप स्किप मत करिए बिल्कुल भी और अच्छे से देखिए। तो चलिए देखते हैं आज का लेक्चर, आ जाइए। आप देख सकते हैं ये आपका फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है और ये आपका रीट मेंस 2022 का सिलेबस है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड वाले में आपका ये टॉपिक है एंशिएंट कल्चर, सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर एंड बैराट, ये चार सिविलाइजेशन दे रखी है। परंतु ये इनके अलावा भी आपको माइनर सिविलाइजेशन पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ में एंशिएंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान पूरा लिखा हुआ है, उसमें ये टॉपिक्स दे रखे हैं। इसके अलावा भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं राजस्थान का इतिहास, प्राचीन सभ्यताएँ, बिल्कुल इसमें सिर्फ सभ्यताएँ दे रखा है, कोई सिविलाइजेशन का नाम नहीं है। तो ये तो पढ़नी पढ़नी है। इसके अलावा जो अभी आपको सिविलाइजेशन पढ़ाई जा रही है, ये आपके रीट मेंस 2022 उसके अलावा सभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ साथ फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आ जाइए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इनको। आज हम देखने जा रहे हैं बागोर सभ्यता। उससे पहले आपको बता देते हैं, हनुमानगढ़ में हमने कालीबंगा सभ्यता पढ़ा था, फिर सीकर में हमने गणेश्वर सभ्यता पढ़ी थी, फिर जयपुर की हमने बैराट सभ्यता देखी थी, उससे पहले हमने आहाड़ सभ्यता देखी थी उदयपुर में, और आज हम ये छोटी छोटी सभ्यताएं करने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सिरोही में चंद्रावती देखी थी, तो बागोर सभ्यता देखेंगे। ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है भीलवाड़ा में। देखिए स्टूडेंट्स, आपको हमने पहले बताया था कि जितनी भी सभ्यताएं हैं ये किसी ना किसी नदी के किनारे पर हैं। जैसे हनुमानगढ़ के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो यहाँ से कौन सी नदी गुजरती है? यहाँ से घग्गर नदी गुजरती है। यहाँ पर कौन सी नदी है? यहाँ कांतली नदी है गणेश्वर सभ्यता में। यहाँ जयपुर में कौन सी थी? बाणगंगा नदी थी, ठीक है। यहाँ पर उदयपुर में कौन सी नदी थी? उदयपुर में आहाड़ नदी के किनारे आहाड़ सभ्यता डेवलप हुई थी। सिरोही के अंदर जब हमने चंद्रावती सिविलाइजेशन देखी, तो ये कौन सी नदी के किनारे डेवलप हुई? वेस्टर्न बनास के किनारे डेवलप हुई थी। ये भीलवाड़ा भी किसी ना किसी नदी के किनारे हुई होगी, तो कौन सी नदी पर? ये कोठारी नदी पर डेवलप हुई। ये बनास की ट्रिब्यूटरी है। बनास आगे क्या करती है? बनास रामेश्वरम में चंबल में जाके मिल जाती है। चंबल आगे जाके कहाँ करती है? यमुना में जाके मिल जाती है। यमुना आगे जाके किसमें मिलती है? गंगा में मिल जाती है। गंगा क्या करती है? गंगा आगे जाके बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। तो ये कुछ पैटर्न हमने देखा था। तो आ जाइए सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। बागोर सभ्यता, ये सभ्यता कोठारी नदी पर स्थित है। इसका उत्खनन 1967 से 1968 में वीरेंद्र नाथ मिश्रा जी ने किया था। ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, नाम याद करना है, ईयर याद करना है आपको। कौन सी नदी के किनारे है बागोर सभ्यता? कोठारी नदी के किनारे। कौन से शहर में? भीलवाड़ा में। बा से बागोर, बा से भीलवाड़ा, नाम याद रखना है, बैराट के साथ कन्फ्यूजन नहीं करना है। बैराट बाणगंगा नदी के किनारे पर डेवलप हुई थी। आगे देखिए राजस्थान में यहाँ सबसे प्राचीन पशुपालन की अस्थियों के अवशेष कौन सी सभ्यता से मिलते हैं? बागोर सभ्यता से मिलते हैं। तो ये देखा गया कि यहाँ पे जो अस्थियाँ मिली उनसे ये माना एनालिसिस किया गया कि यहाँ के जो लोग थे कि वो क्या करते थे, कल्टीवेशन करते थे, पशुपालन करते थे अपने जीवन निर्वाहन के लिए। आज ये देखते हैं, बागोर भारत का सबसे संपन्न पाषाणीय सभ्यता स्थल है। बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। देखिए इसको अच्छे से रट लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? बागोर सभ्यता को कहा जाता है। और यहाँ पर अपन ने जब सीकर में पढ़ा था, सीकर में कौन सी? गणेश्वर सिविलाइजेशन। इसके बारे में क्या पढ़ा था? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। देखिए आप ऐसे बिल्कुल लिंक करके याद करेंगे तभी आपको चीज़ें याद रहेंगी। आ जाइए इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं नीचे का, जो आप देख सके। ओझियाना सभ्यता, ये कहाँ पड़ती है? ये भी जाजपुर भीलवाड़ा के अंदर ही पड़ेगी। यहाँ महाभारतकालीन सभ्यता के अवशेष मिले। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। आ जाइए स्टूडेंट, अब देखते हैं नगरी सभ्यता। ये सभ्यता कहाँ मिलेगी? ये चित्तौड़गढ़ में मिलेगी, ठीक है। इसका प्राचीन नाम क्या था? मध्यमिका या मध्यमिका नाम बोल दीजिए इसका नाम। जो महाभारत और महाभाष्य दोनों के उल्लेख मिलते हैं इस सभ्यता से हमको। इसकी खुदाई किसने करी थी? डॉक्टर भंडारकर द्वारा की गई थी, जिसमें सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं। सीवी जनपद के सिक्के कहाँ से मिले थे? चित्तौड़गढ़ सभ्यता से मिले थे। और सीवी जनपद कौन सा? ये रहा, इस एरिया में। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। आ जाइए स्टूडेंट, अब देखते हैं नौ सभ्यता। देखिए नौ सभ्यता कहाँ मिली? भरतपुर में मिली। कौन सी नदी के किनारे डेवलप हुई? रूपारेल नदी के किनारे डेवलप हुई थी। आ जाइए इसके बारे में पढ़ते हैं। नौ सभ्यता, यह महाभारत वे लोहकालीन सभ्यता है जो रूपारेल नदी के किनारे है। यहाँ पर हमें दो चीज़ें मिलती हैं, पक्षी चित्र ईंट मिलते हैं और जाख बाबा की विशालकाय मूर्ति मिलती है। आ जाइए अब देखते हैं रेड या रहड़ सभ्यता, ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है टोंक में। ये टोंक दिख रहा है, यहाँ पे पड़ेगी रेड सभ्यता। ये निवाई तहसील में स्थित है। यहाँ पर मातृ देवी की मूर्ति और गजमुखी यक्ष की मूर्ति मिलती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ऐसे ही एग्जाम में पूछ लेते हैं कि गजमुखी यक्ष की मूर्ति हमें कौन सी सभ्यता से मिली या मातृ देवी की मूर्ति कौन सी सभ्यता से मिलती है, क्योंकि
और इसके साथ साथ यहाँ पर हमें एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला था, जो अपोलो डोटस का सिक्का व इंडो ससेनियस मुद्रा मिला है यहाँ से, इसीलिए इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। तो कौन सी सभ्यता को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा गया है? रेड सभ्यता को। कहाँ मिली? टोंक में मिली। बिल्कुल अच्छे से रटिए इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार रिवीजन करिए और रटते रहिए। अब देखिए इसके साथ हमें छोटी सभ्यताएं मिली हैं, जैसे नगर सभ्यता, इसका प्राचीन नाम मालव प्रदेश था। इस सभ्यता का उत्खनन 1938 से लेकर 40 ई में डॉक्टर के एन पुरी, केदारनाथ पुरी के निर्देशन उनियारा कस्बे के पास करवाया गया था, जिसमें क्या मिला है? मालव आह सिक्के व गुप्तकालीन लेख प्राप्त हुए हैं यहाँ से। तो आ जाइए नेक्स्ट।